पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा आज दोपहर जब राज्यसभा महासचिव के दफ्तर में पहुंचे तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी भी मौजूद थे। पीए संगमा ने राज्यसभा के महासचिव वीके अग्निहोत्री को नामांकन पत्र के 3 सेट सौंपे। इनमें 350 सांसदों और विधायकों के दस्तखत थे। एनडीए में शामिल अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी संगमा के नामांकन के वक्त यहां पहुंचे थे। पीए संगमा ने कहा कि वो इस चुनाव में आदिवासियों की अपेक्षाओं की नुमाइंदगी कर रहे हैं। संगमा अपने पुराने संसदीय क्षेत्र मेघालय के तुरा से ही प्रचार अभियान शुरू करेंगे। I'll start my campaigning from the 30th onwards. Go to my own town, Tura, day after tomorrow, where there is going to be an inter-religious prayer meeting of about 25,000 people. That will be my starting point. And from there, I'll come to Guwahati. And from Guwahati to, I'll address the media at Guwahati. I'll meet, then I'll come here. On 2nd, I'll be in Delhi to attend the reception of Gadkari's daughter's wedding. And third onwards, I'll be out. बीजू जनता दल के साथ मिलकर पीए संगमा का नाम सबसे पहले सामने रखने वाली तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता खुद तो नहीं आई, लेकिन उनकी पार्टी के सांसद एम थंबीदुरई इस मौके पर मौजूद थे। नामांकन के बाद भी पीए संगमा ने समर्थन के लिए भारतीय जनता पार्टी समेत सभी दलों का शुक्रिया अदा किया। I'm very happy to get the support of such political parties, you know, for a tribal from northeast, insignificant place that I'm coming from, and yet land of the clouds, and yet so much of support, so much of love and affection for the cause of tribals in particular. I am very, very grateful to all of you. दरअसल पीए संगमा ट्राइबल फोरम ऑफ इंडिया की तरफ से उम्मीदवार बने हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी समेत कई विपक्षी दलों का समर्थन हासिल है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एनसीपी छोड़ चुके हैं। हालांकि यूपीए में होने के नाते एनसीपी प्रणब मुखर्जी को समर्थन कर रही है। राष्ट्रपति चुनाव 2012 में दिग्गज प्रणब मुखर्जी के सामने उतरकर पीए संगमा ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है, लेकिन अभी जमीन पर भी असली मुकाबला होना है, जहां 30 जून के बाद प्रणब मुखर्जी कई राज्यों का दौरा करने जा रहे हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।